तो नीतीश जी 2-2.5 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिहार में गठबंधन क्या टूटा एक बार फिर से, बिहार में खुलासा बाबू। जी हाँ, यानी कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गए। नीतीश कुमार के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2.5 साल से ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहते हैं, ना उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रिश्ता निभाया, ना उन्होंने शरद यादव के साथ रिश्ता निभाया, ना उन्होंने RCP के साथ रिश्ता निभाया। यानी कि नीतीश कुमार के नेचर में, स्वभाव में है कि वो ज़्यादा दिनों तक किसी के साथ नहीं रहते। खास बात ये रही कि सुशील कुमार मोदी ने ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2025 से पहले ही ये सरकार गिर जाएगी। रही बात 2024 की, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी तक नीतीश जी के जो काम करने का तरीका है, ये तो मैं था कि निभा दिया 13 साल, ये तो शायद मेरे समय में भी सरकार गिर सकती थी। तो नीतीश जी 2-2.5 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, RCP सिंह हो, मैं एक दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। नहीं बनेगी ना, शिवसेना की इतनी संख्या थी कि थोड़ी सी सरकार बन गई तो तोड़ तोड़े से मिलाने का क्या मतलब, और हम क्यों तोड़ेंगे? ये तो देखिए, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं, हम दो साल बचा लोकसभा का, हम उसका इंतजार करेंगे। और इनको ये जो लगता है कि 2015 में दोनों मिल गए थे तो हम लोगों ने BJP को 54 पर पहुंचा दिया, तो बहुत समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी ने 2020 के नरेंद्र मोदी हैं, और BJP की भी जो ताकत है 2015 वाली BJP नहीं है, ये 2020 वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो सुना आपने, सुशील कुमार मोदी लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब BJP JDU का गठबंधन टूट गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुशील कुमार मोदी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि उपराष्ट्रपति न बनाए जाने के कारण नीतीश कुमार नाराज थे, और यही नाराजगी बिहार में BJP गठबंधन तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण मान रहे हैं सुशील कुमार मोदी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बयानों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि बिहार में घमासान हो चुका है, गठबंधन टूट गई है, और नए गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची, और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।